.NET classes, your selection, our ambition. जी हाँ, अब आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य। तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET classes को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET classes. .NET classes में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं, साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर जो होता है, क्वेश्चन इसका एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कैलेंडर से रिलेटेड आप लोगों को यही क्वेश्चन बार बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी दिन दे दिया, ठीक है, जैसे 26 जनवरी, ठीक है, सन 1950, 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है, या फिर आप और देख लीजिए 15 अगस्त 2015 में कौन सा दिन था, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी डेट दे दी जा रही है, जरूरी नहीं कि 26 जनवरी 15 अगस्त, इस टाइप से कोई भी डेट दे दी जाती है, सन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि उसमें कौन सा दिन था, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारी ट्रिक देखी होंगी, तो आप श्योर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा दिन है, ठीक है, आप लोगों को ना कोई डाउट रहता होगा, आप लोग सॉल्व कर लेते हैं पूरा उसके बाद भी, मगर मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे और श्योरली आंसर लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ कोड है, कोड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोड देख लेते हैं। 0336146250035, ठीक है, 0336146250035, ठीक है। तो ये कोड जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, जैसे कि आप लास्ट में देख रहे हैं 25035 लिखा हुआ है, ठीक है, 25035 लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में 033 से स्टार्ट करना है, बीच में 6146, ठीक है, 6146 इसको किसी भी तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो क्या है, मंथ जो होते हैं आपके मंथ, उसके लिए कोडिंग दी गई है। सपोज ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है और ये दिसंबर है आपका, ठीक है, 12 महीने हैं, 12 अंक लिखे हुए हैं, ये कोड है, ठीक है। तो इसी पे से आपके पूरे क्वेश्चन बनेंगे, बस इसको आप एक दो बार देखेंगे आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जो होता है दो प्रकार के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है और एक होता है लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर में और नॉर्मल ईयर में बस कोड में इतना अंतर है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 62, ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में बस अंतर इतना है कि आपको यहाँ पर 62 लिखना है और यहाँ पर 03, मतलब आपका सिर्फ जनवरी का कोड बदलेगा और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी का पूरा एज इट इज रहेगा, ठीक है, पूरा जो कोड लिखा हुआ है पूरा सेम चलेगा, बस यदि लीप ईयर आता है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 और 2। तो इस प्रकार से आप लोग ये पूरा कोड याद रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। अब कोई भी रेंडमली डेट ले लेंगे अपन और उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे आप कोई भी दिन है, आज का दिन है, आज का दिन आप निकाल सकते हैं ट्रिक से चेक करने के लिए, जो भी दिन होगा आप उस डे को निकाल सकते हैं। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में बस अंतर इतना है कि ये कोड जो है वहां पर 6 हो जाएगा, जनवरी का और फरवरी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जिसमें कि फरवरी जो है आपकी वो 29 की यदि फरवरी आ रही है आपकी तो वो लीप ईयर हो जाता है, और यदि फरवरी 28 की आ रही है, ठीक है, 28 की फरवरी आ रही है तो वो आपका नॉन लीप ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही आसानी से सभी लोगों को पता है, यदि 4 से भाग दे दिया और पूरा भाग चला जा रहा है तो वो लीप ईयर है, ठीक है, और यदि नहीं जा रहा है तो वो नॉन लीप ईयर, ये सभी लोगों को पता है, मगर मैं डे निकालने की आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे 15 अगस्त ही ले लेता हूँ मैं, 15 अगस्त सन 1950, ठीक है, 15 अगस्त 1950 ये मैंने डे ले लिया। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा डे है, डेट ले लिया मैंने, आपको डे बताना है कि कौन सा डे था। तो सबसे पहले क्या करना है, 15 अगस्त सन 1950 लिखा हुआ है तो आप लोगों को लेना है 15 ले लिया मैंने, जैसा कि ऐसा लिख दिया मैंने, जो डेट थी आपको डेट लिख देना है। अगला क्या काम है, अगस्त, ठीक है, तो अगस्त का आप लोगों को कोड देखना है,
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये लिखा हुआ है अगस्त, और अगस्त का कोड कितना है 2 है, ठीक है, तो 2 ही लिखना है, 0 लिख दिया मैंने क्योंकि कैलकुलेशन करना है इसमें, तो आप लोग को कोई डाउट ना हो, 02, ठीक है। इसके बाद चले अपन, सर 1950 लिखा हुआ है, ठीक है, 1950 लिखा हुआ है, तो ये 1900 नहीं लेते हुए आपको सिर्फ लेना है 50, ठीक है, 50 ले लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि इसको, ये जो 50 लिया था आपने, इसको 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 4 से इसको भाग देंगे, कितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वो चीज देखेंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4×4, ठीक है, और 4×2 = 8, 2 बच रहा उससे मतलब नहीं, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये 4 चीजें ही लेना पड़ेगा आपको, ये 4 चीजों को ही ऐड करके आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिया हूं, 15, ठीक है, 15 यहाँ पर दिया हुआ था, 15 ले लिए हैं, अगस्त के लिए मैंने अगस्त का कोड ले लिया था, 2 ले लिया मैंने, इसके बाद 1950 था तो मैंने सिर्फ क्या लिया, 50 लिया है, जैसे 1947 लिया है, 47 है तो 47 लोगे, 1988 है तो आपको क्या लेना है, सिर्फ 88 लेना है वहाँ पर, ठीक है, और फिर जो भी आप लोगे यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे जो भी लोगे उसको 4 से भाग देना है, 4 से भाग देने के बाद जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, समझ गए जी। इसके बाद इन सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, 2, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, 1, 5, 6 और 1, 7, ठीक है, 79 आ गया, ठीक है, ये 79 आ गया आपका, इनको ऐड करने के बाद सबको मैंने जोड़ लिया। अब इसमें क्या करना है, इस 79 में एक लास्ट प्रोसेस है, 79 में 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 7 से भाग देने के बाद अब कितना बच रहा है वो आपको देखना है, ठीक है, 7 से भाग देते हैं, 7×7, ठीक है, अब 9 में भाग देंगे तो 7×7 बचा कितना, 2, ठीक है, अब ये 2 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं बताऊंगा कैसे हुआ 2 आंसर आपका, उससे पहले एक बार फिर से इसको रिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या है इस प्रोसेस में, 15 अगस्त सन 1950 को कौन सा दिन था ये देखने के लिए अपन ने क्या लिया, 15 लिया, अगस्त के लिए अगस्त का कोड लिया, ठीक है, 1950 था तो 50 लिया मैंने, और 12 जो कैसे आया था, 50 को मैंने 4 से ही भाग देना है हमेशा, ठीक है, 4 से मैंने इसको भाग दिया तो कितना बचा यहाँ पर, 12 बार पूरी पूरी बार भाग गए, यहाँ पर बचा हुआ नहीं देखते हैं, पूरी बार भाग, पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, ठीक है, ये दिया मैंने तो ये कितना हो गया 79। अब 79 को मैंने क्या करा, इसको 7 से डिवाइड कर दिया, अब 7 से डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पर क्या देखते हैं, बचा हुआ कि बचा कितना यहाँ पर, 2 बचा है, 2 बचा है तो आपका 2 आंसर हुआ। तो अब आंसर कैसे 2 हो गया, आपने तो बोला था आप डे बताओगे कि कौन सा दिन है उस दिन, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज याद रखना है, इसके भी कोड है, अगर कोड याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, आप लोग वैसे ही बता देंगे, ठीक है, जैसे लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, तो बस संडे जो है उसको आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, संडे को, संडे में कुछ नहीं रहता है, संडे छुट्टी रहती है, 0 से स्टार्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है, यहाँ 6 तक के आपके कोड आ गए, ये कोड याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, संडे 0 से स्टार्ट करना है, मंडे जो है आपका कंटिन्यू जो स्टार्ट होता है मंडे से, तो 1, 2, 3 से स्टार्ट करना है, 6 तक जाएंगे आपके, ठीक है। अब आंसर क्या आया था आपका, 2 आया था। अब 2 देख लीजिए क्या है, 2 के सामने क्या है, ट्यूजडे, ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, ट्यूजडे मतलब आपका मंगलवार। आप लोग चेक करके देख सकते हैं कि 15 अगस्त सन 1950 को कौन सा दिन था, मंगलवार था, ठीक है, ट्यूसडे था। बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी डेट अगर आपको दी होगी तो आप उसका दिन निकाल सकते हैं आसानी से कि भाई उस दिन कौन सा दिन था। आपने देखा 15 अगस्त 1950 को मंगलवार था, आप आपके मोबाइल में चेक कर सकते हैं, यदि कैलेंडर हो पुराना तो आप उसमें भी आसानी से चेक कर सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं, 15 अगस्त सन 1950 को आपका मंगलवार था, ठीक है, ट्यूसडे था। तो इस प्रकार आपका, बस ये छोटी सी प्रोसेस है, यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में मगर आंसर जो है आपका एक्सेक्ट आएगा, ठीक है। कई लोग वो भाग दे के ये वो निकाल के एक दिन ऐड करना है, फिर प्लस माइनस करना है, उससे
हमेशा आंसर कई बार आपका एक दिन आगे पीछे हो गया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, इतनी मेहनत करोगे आंसर गलत आएगा, मगर इस मेथड से यदि आप करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, गलत होने की तो कोई संभावना ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 26 जनवरी सन 2016 लिखा हुआ है, ठीक है, 26 जनवरी सन 2016 लिखा हुआ है। तो अब बात यदि जनवरी की या फरवरी की आती है, ठीक है, सिर्फ जनवरी या फरवरी की आती है तो ही आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। यदि इसके अलावा कोई भी मंथ आता है तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं कि लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि आपको जनवरी और फरवरी में ही कोड चेंज करना है, इसके अलावा कोड चेंज भी नहीं होंगे आपके, ठीक है, सेम कोड चलेंगे। तो आपने देखा 2016 लिखा हुआ है, तो 2016 को आपने कैसे भाग दिया, 4 से भाग दिया, 4 × 5 = 20, 4 × 16, ठीक है, भाग पूरा पूरा चला गया। मतलब क्या है कि 26 जनवरी जो है, ये जो 2016 है, ये कौन सा है, लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है, तो बस सिर्फ कोड में चेंज होगा यहाँ पे, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले वही काम करेंगे, डेट ले लिया आपने 26, ठीक है, जनवरी के लिए कोड क्या हो गया, वो आपका 6 हो गया, ठीक है, 6 कोड हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 2016, तो आपने जैसे देखा था कि 1950 था, तो आपने क्या लिया था, 50 लिया था। अब यहाँ पर जब 2000 के ऊपर की बात होगी, ठीक है, 2000 के ऊपर की बात होगी, सपोज ये 2016 लिखा है, तो 2016 ना लिखते हुए आप क्या लिखेंगे, 116 लिखेंगे, ठीक है। यदि 2018 होता तो आप क्या लिखते, 118, ठीक है, 2016 है तो आप क्या लिख रहे हैं, 116 लिख रहा है उसको, ठीक है। और यदि 2000 के नीचे वाला कोई ईयर है, 2000 के नीचे वाला यदि कोई ईयर है तो आप उसको डायरेक्ट जितना दिया उतना ही लिखना है, ठीक है। अब 116 अपन ने यहाँ लिया है तो अब 116 यहाँ भी लेना पड़ेगा, किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 4 से भाग देते हैं, 4 × 2 = 8, ठीक है, बचा कितना, 3 बचा, ठीक है, 4 × 9 = 36, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है आपका, ये 36 हो गया, टोटल पूरा पूरा भाग कितनी बार गया, 29 बार गया, ठीक है, पूरा भाग देखना है, बचा वाला तो कुछ देख रहे ही नहीं आपको, यहाँ पर वैसे भी कुछ भी नहीं बचा है, तो आपका 29 हो गया, ठीक है। ये 4 चीज ही लेते हैं अपन, 4 चीज ले ली आपने, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, ऐड कर लीजिए, 18 और 9 कितने हो गए, 18 और 9 = 28, ठीक है, 18 और 9 = 27 हो गए। इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए, इसके बाद 27 हो गए, यहाँ से क्या कितना बचा, 2 बचा, 2 और 2 = 4, 4 और 2 = 6 और 1 = 7, ठीक है, और 177 हो गया आपका, ठीक है, 177 ये हो गया। अब क्या करना है, तीसरी प्रोसेस, ये जो 177 आ गया, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 177, अब इस 177 में आपको किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है, 7 से भाग दीजिए, तो अब बचेगा क्या वो देखेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 × 2 = 14, बचा कितना, 3 बचा, ठीक है, 3 बचा तो ये कितना हो गया, 37 हो गया, 7 × 5 = 35, ठीक है, 5 बार भाग गया आपका, बचा कितना, 35 बार गया तो बचा कितना, 2 बचा, बस 2 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, 2 आंसर हो गया। अब 2 देख लीजिए कहां पर आ रहा है, 2 आ रहा है वही मंगलवार, ठीक है, ये मैंने कोई रेंडमली कोई डेट ले लिया हूं और उसको सॉल्व कर रहा हूं, है ना, ये मत बोलना कि सर आपने दोनों मंगलवार वाले करवा दिए, मंगलवार वाला इसका भी आंसर मंगलवार आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, चेक कर लीजिए 26 जनवरी 2016 को क्या है, यहाँ पर भी मंगलवार है, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर यदि 2000 के ऊपर वाला आता है तो उसको 116 लेना है, और यदि नीचे आता है तो आपको जो संख्या लिखी हुई है वो ही लेना है, ठीक है। सपोज ये 1916 लिखा रहता तो आप क्या लेते, 16 लेते, ठीक है, 2016 था तो इसको क्या ले लिया आपने, 116 ले लिया, ठीक है। यदि आपको ये चीज समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं, यदि कोई प्रॉब्लम भी हो आप लोगों को, कुछ और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स करके बता दें, मैं आप लोगों को उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो कैलेंडर है वो पूरा क्लियर हो गया होगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक कुछ और चीज बता देता हूँ जिससे आपके यदि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए कभी पूछा जाता है रिपीटेशन, ठीक है, कि आज ये कैलेंडर है 2011 का तो ये अगला कब रिपीट होगा, ठीक है,
अगला 2011 का जो कैलेंडर है वो कौन से सन के कैलेंडर से बिल्कुल मैच होगा, ये कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो वो उसकी भी एक ट्रिक है। यदि कोई नॉर्मल ईयर है, ठीक है नॉर्मल ईयर है, तो आप उसमें क्या करेंगे प्लस 11 ऐड कर दीजिए। 2011 का पूछा है, 2011 का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2011 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, ठीक है, तो इस कैलेंडर का रिपीटेशन कब होगा, इसमें 11 ऐड कर लीजिए, ठीक है 11 ऐड कर लीजिए। 11 ऐड करने के बाद क्या होगा, देखिए 2 2 2 0, ठीक है। अब ये देख लीजिए 2022, ठीक है 2022 आ गया, 2022। यदि 2022 को फिर मैं देखूंगा कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ठीक है 2022 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 4 5 20, ठीक है 0 और 4 5 20, ठीक है मतलब ये 2022 जो है वो आपका लीप ईयर नहीं है, ठीक है लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल ईयर है। यदि नॉर्मल ईयर आ रहा है आपका तो क्या है कि यही जो है 2022 2022 जो है वो 2011 से रिपीट करेगा, ठीक है कोई दिक्कत, लिख देता हूँ यहाँ पर। यदि नॉर्मल ईयर है, ठीक है लीप ईयर की बात नहीं हो रही, नॉर्मल ईयर है और यदि आपने उसमें 11 ऐड किया, ठीक है तो क्या आना चाहिए, नॉर्मल ईयर ही आना चाहिए, ठीक है नॉर्मल ईयर ही आना चाहिए। यदि नॉर्मल ईयर आ रहा है तो वो डेफिनेटली वो कैलेंडर जो है उससे रिपीट करेगा, और यदि नॉर्मल ईयर ना आए, ठीक है नॉट, यदि यहाँ पर नॉर्मल ईयर नहीं आता है तो आपको क्या करना है प्लस 6 ऐड करना है। यहाँ पर 11 ऐड कर रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा 6 ऐड करना पड़ेगा, तो वो जो 6 ऐड करोगे उसके बाद वाला जो कैलेंडर होगा वो आपका क्या होगा रिपीट होगा, उसी का सेम टू सेम रिपीट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये जो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी मंथ का भी पूछ लेते हैं, ठीक है सपोज देख रहे हैं आपकी यहाँ पर लिखा है कि 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को क्या है आपका संडे है, ठीक है 2 फरवरी को संडे है, तो आपका 2 नवंबर को, 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो जिसका कोड सिमिलर है, ठीक है वो मंथ का कैलेंडर जो है मंथ भी सिमिलर चलेगा, मतलब 2 फरवरी को यदि क्या था संडे था, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 नवंबर, नवंबर को भी क्या होगा संडे होगा, ये क्या है मंथ का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर आप मंथ देख रहे हैं जिसका कोड समान है उसके मंथ की डेट और डे जो है वो भी समान चलेंगे बिल्कुल, ठीक है जैसे फरवरी मार्च ये समान है, इसके बाद ये नवंबर ये समान है आपका, तो जैसे आप देख रहे हैं अप्रैल, अप्रैल के साथ किसका चलेगा ये जुलाई का चलेगा, तो ये यदि समान है तो इसके दिन भी जो है वो समान होंगे। तो आई होप आप लोगों को कैलेंडर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक करके बता दीजिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।